Welcome to my class. In this video lecture, we will talk about Information Technology Act 2000. Complete Information Technology Act 2000 को हमने 21 वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिवाइड कर दिया. पहले 10 वीडियो लेक्चर के टॉपिक्स इस स्लाइड के अंदर यहां पर दिए गए हैं. 11 से 21 वीडियो लेक्चर्स के टॉपिक नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर दिए गए हैं. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर वी विल टॉक अबाउट साइबर टेररिज्म. दिस इज पार्ट नंबर 20. सो इन दिस वीडियो आवर फोकस विल बी ऑन साइबर टेररिज्म. हम दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन के फ्लो को देख रहे हैं कि वो बढ़ता जा रहा है. जिन कंट्रीज के अंदर पहले इंफॉर्मेशन फ्लो कम था, उन कंट्रीज के अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो और भी बढ़ गया है. इस इंफॉर्मेशन फ्लो के बढ़ने के साथ साथ साइबर टेररिज्म की भी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. हमने ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट के अंदर बहुत सारे सेक्शंस को दिया है, सेक्शन 65 to 78, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर सेक्शन डील करता है साइबर टेररिज्म के साथ. साइबर टेररिज्म के केस के अंदर पनिशमेंट क्या होगी, ये सेक्शन 66 सबसेक्शन एफ हमें बतलाता है. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसी पर्टिकुलर सेक्शन को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे. पहले मैं आपके सामने इस पूरे के पूरे सेक्शन को मेंशन कर देता हूं. आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें कही गई हैं. ये यहां पर इस पर्टिकुलर सेक्शन का ए पार्ट है, जो कि काफी लेंथी है. इसके अंदर, इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर, ये इसका सेकंड पार्ट है. मैं ए और बी पार्ट दोनों आपके सामने एक एक करके अलग अलग टेक अप करूंगा. आइएगा स्टार्ट करते हैं सेक्शन 66 एफ के साथ. इट रिलेट्स टू पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म. सेक्शन 66 एफ. इस पर्टिकुलर सेक्शन को समझने से पहले हम साइबर टेररिज्म के मीनिंग को जानेंगे. इट रेफर्स टू अनलॉफुल अटैक्स एंड थ्रेट्स ऑफ अटैक अगेंस्ट कंप्यूटर्स नेटवर्क्स एंड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड देयर इन दैट इज डेटाबेस. हमारे कंप्यूटर्स को, नेटवर्क्स को, या जो हमारी डेटाबेसेस हैं, उनके अगेंस्ट अनलॉफुल अटैक किए जाएंगे या उनके खिलाफ अटैक किए जाने की धमकी दी जाएगी. When done to intimidate a government, किसी एक गवर्नमेंट को डराने या धमकाने या लोगों को डराने या धमकाने के उद्देश्य से. In furtherance of wrongful objective, ताकि वो लोग अपने wrongful objectives को अचीव कर सके. Cyber terrorism refers to unlawful attacks and threats of attack against computers, networks and information stored therein in the databases. हमारे computers, networks और जहां पर हमारे databases हैं, उनके against गैर कानूनी तरीके से attack किया जाएगा या attack की धमकी दी जा रही है. When done, जब ये काम किया जाएगा, to intimidate a government or its people, या तो लोगों को या government को डराने या धमकाने के लिए, ताकि जो लोग अटैक करें वो अपने रॉन्गफुल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके. देन वी कॉल दिस थिंग एज साइबर टेररिज्म. साइबर टेररिज्म के केस के अंदर हमने पढ़ा, ये धमकी दी जाएगी हमारे कंप्यूटर्स के खिलाफ, ये धमकी दी जाएगी हमारे डेटाबेसेस को नष्ट करने के लिए, ये धमकी दी जाएगी हमारे कंप्यूटर्स को के नेटवर्क को तोड़ने के लिए, जब वो इस तरह की धमकी देंगे ताकि गवर्नमेंट और लोग दहशत के अंदर आ जाएं और ये लोग अपने गलत इरादों को अंजाम दे दें. देन वी कॉल दिस थिंग एज साइबर टेररिज्म. अब मैं आपके सामने इस ए पॉइंट को टेक अप कर रहा हूं. ए पर्सन कमिट साइबर टेररिज्म इफ ही यूजेस साइबर स्पेस. एक व्यक्ति साइबर टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व होगा अगर वो साइबर स्पेस को यूज कर रहा है. तो स्टूडेंट, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आ जाता है
कि साइबर स्पेस को समझा जाए। मैं आपके सामने सबसे पहले आगे चलने से पहले साइबर स्पेस का मीनिंग क्लियर करूंगा। साइंस फिक्शन नॉवलिस्ट विलियम गिब्सन फर्स्ट कॉइन द टर्म साइबर स्पेस इन हिज शॉर्ट स्टोरी बर्निंग क्रोम। इस व्यक्ति ने साइबर स्पेस शब्द को कॉइन किया, साइबर स्पेस शब्द को बनाया। साइबर स्पेस का सिंपल मीनिंग है ए प्लेस दैट इज नॉट रियल वेयर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज एग्जिस्ट व्हाइल दे आर बीइंग सेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। साइबर स्पेस का मतलब है एक ऐसी जगह जो वास्तविकता में नहीं है, वेयर इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस एग्जिस्ट, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक मैसेज एग्जिस्ट करते हैं, व्हाइल दे आर बीइंग सेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो ये लगता है कि ये वेबसाइट तो हमारे सामने है, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो ये वेबसाइट कोई ऐसी प्लेस, कोई ऐसी मार्केट फिजिकल रियलिटी के अंदर तो है ही नहीं है। ये वेबसाइट्स आपके कंप्यूटर के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। द वर्चुअल स्पेस क्रिएटेड बाय इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑन द इंटरनेट। ये एक ऐसी स्पेस है जो हमें लगता है कि क्रिएट हो गई है, लेकिन वास्तविकता में ये स्पेस है ही नहीं, ये जगह है ही नहीं। द वर्चुअल स्पेस क्रिएटेड बाय इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑन द इंटरनेट। बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं, तो एक ऐसी स्पेस बन गई है जो हमें वास्तविकता में लगती है कि है, पर वो हमारी स्पेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पूछा जाए कि वेबसाइट किस जगह पर है, तो वेबसाइट के अंदर जो हमें प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दी गई है, जो हमें मार्केट की इंफॉर्मेशन दी गई है, वो सारी की सारी वेबसाइट एक कंप्यूटर के अंदर ही एग्जिस्ट करती है और ये कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड है। सो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का संसार साइबर स्पेस है, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का संसार साइबर स्पेस है, जिसके थ्रू हमें डिफरेंट कंप्यूटर्स के अंदर कुछ स्पेस मिली हुई है अपने काम को करने के लिए। When a person commits cyber terrorism, if he uses cyber space, एक ऐसी स्पेस जो वास्तविकता में नहीं है, लेकिन इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर ने हमें वो स्पेस बना के दे दी। एक व्यक्ति साइबर टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व माना जाएगा अगर वो साइबर स्पेस को यूज करता है विद इंटेंट टू थ्रेटन। उसकी नियत यह है कि थ्रेटन किया जाए, धमकी दी जाए। किस चीज को? यूनिटी को, हम इकट्ठे मिलके नहारे। इंटीग्रिटी को, इंटीग्रिटी मीन्स टू एसिमिलेट ऑल आर टू अलाउ एवरीवन टू पार्टिसिपेट। सब लोग इकट्ठे ना हो जाएं, हम सभी लोग पार्टिसिपेट ना करें। सिक्योरिटी, यहां पर सिक्योरिटी का मतलब है डिफेंस ऑफ अवर कंट्री। सोवरेनिटी, इट मींस द पावर दैट ए कंट्री हैज टू कंट्रोल इट्स ओन गवर्नमेंट। हम अपनी गवर्नमेंट को खुद बनाते हैं। एक कंट्री जो कि अपनी गवर्नमेंट को खुद बनाता है, दैट इज सोवरेन नेशन ऑफ इंडिया। टू स्ट्राइक टेरर इन द पीपल आर एनी सेक्शन ऑफ द पीपल। एक वो व्यक्ति को माना जाएगा कि ये साइबर टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है अगर इस व्यक्ति की इंटेंशन धमकी देने की है हमारी यूनिटी को, इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी को, सोवरेनिटी को। टू स्ट्राइक टेरर, ताकि लोगों के अंदर भय, लोगों के अंदर डर, लोगों के अंदर दहशत फैलाई जा सके, या एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल के अंदर ये डर दहशत फैलाई जा सके। ए पॉइंट के अंदर हमने ये कहा, ए पर्सन कमिट साइबर टेररिज्म, एक व्यक्ति साइबर टेररिज्म कमिट कर रहा है अगर वो साइबर स्पेस को यूज कर रहा है, इंटरनेट को यूज कर रहा है, वेबसाइट को यूज कर रहा है विद इंटेंट टू थ्रेटन द यूनिटी, हमारी कंट्री की यूनिटी को, हमारी कंट्री की अखंडता को, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को, या हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को। आर टू स्ट्राइक टेरर इन द पीपल, या लोगों के अंदर दहशत फैलाना चाहता है, या किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर दहशत फैलाना चाहता है। एक व्यक्ति साइबर टेररिज्म को कैसे इंप्लीमेंट करना चाहता है, इसके लिए अब हम ये तीन पॉइंट्स को एक एक करके टेकअप करेंगे। डिनाइंग आर कॉज द डिनाइल ऑफ एक्सेस टू एनी पर्सन ऑथराइज टू एक्सेस कंप्यूटर रिसोर्स। एक व्यक्ति अपने कंप्यूटर को यूज करना चाहता है, या तो उसको ये यूज करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, या ऐसा कुछ कर दिया जाएगा कि वो अपने कंप्यूटर रिसोर्सेज को यूज
ना कर सके। सेकेंड पॉइंट, अटेम्प्टिंग टू पेनिट्रेट आर एक्सेस ए कंप्यूटर रिसोर्स विदाउट ऑथोराइजेशन। अटेम्प्टिंग टू पेनिट्रेट, एक व्यक्ति हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर अटेम्प्ट कर रहा है कि वो किसी तरह से बीच में आ जाए। आर एक्सेस ए कंप्यूटर रिसोर्स विदाउट ऑथोराइजेशन, यह वो उसने हमारे कंप्यूटर रिसोर्स के अंदर एक्सेस पा लिया विदाउट परमिशन, या एक व्यक्ति जिसको जितना अधिकार दिया गया था वो अपने राइट को एक्सीड कर रहा है। द थर्ड पॉइंट, एक व्यक्ति हमारे कंप्यूटर के अंदर कंटेमिनेंट डाल रहा है, हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस को फैला रहा है। स्टूडेंट, यहां पर ये तीनों पॉइंट्स को हमने अंडरस्टैंड किया। स्टूडेंट, अब मैं इन दोनों चीजों को आपके सामने समराइज कर रहा हूं। ए पर्सन कमिट साइबर टेररिज्म, एक व्यक्ति साइबर टेररिज्म को कमिट करेगा, साइबर टेररिज्म फैलाएगा। अगर वो साइबर स्पेस को यूज कर रहा है, इंटरनेट को यूज कर रहा है, वेबसाइट्स को यूज कर रहा है, वर्चुअल प्लेसेस को यूज कर रहा है विद इंटेंट, उसकी नियत ये है कि वो थ्रेटन कर दे, वो धमकी दे दे कि कंट्री की यूनिटी को अफेक्ट कर देगा, इंटीग्रिटी को, अखंडता को अफेक्ट कर देगा, कंट्री की सिक्योरिटी को अफेक्ट कर देगा और कंट्री की गवर्नमेंट को अफेक्ट कर देगा। आर टू स्ट्राइक टेरर, या वो लोगों के अंदर भय दहशत फैला देगा, या एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर भय या दहशत को फैला देगा। किस तरह से? जिन लोगों को अपने अपने कंप्यूटर रिसोर्स यूज करने का अधिकार है, वो उन लोगों कुछ ऐसा वो कर देगा कि जिससे कि लोग अपने कंप्यूटर को यूज ना कर पाए, या उसने कुछ ऐसा कर दिया है कि लोग अपने कंप्यूटर को यूज नहीं कर रहे। सेकंड, वो व्यक्ति कुछ ऐसा कर देगा कि हमारे कंप्यूटर रिसोर्सेज को विदाउट परमिशन वो एक्सेस कर रहा है, या एक्सेस करने के लिए अटेम्प्ट करेगा, या वो कुछ ऐसा करेगा जितनी उसके पास पावर है वो अपनी पावर को एक्सीड करेगा। थर्ड पॉइंट, या वो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर कोई ना कोई वायरस डाल देगा जिसका रिजल्ट क्या होगा। बाय मींस ऑफ सच कंडक्ट, उसके ये काम करने से या तो लोगों की मृत्यु हो जाएगी, या मृत्यु होने का वो कोई कारण बन सकता है, या लोगों को कुछ ना कुछ इंजुरी हो सकती है, लोगों की प्रॉपर्टी डैमेज या डिस्ट्रॉय हो सकती है। ही डिसरप्ट्स आर नोइंग दैट इट इज लाइकली टू कॉज डैमेज आर डिसरप्शन ऑफ सप्लाई, या तो वो हमारी जो लाइफ की असेंशियल सर्विसेज हैं उनकी सप्लाईज को डिसरप्ट कर देगा, या वो जानता है कि वो डिसरप्ट कर सकता है। आर एडवर्सली अफेक्ट द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, या वो हमारी कंट्री के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को गलत तरीके से अफेक्ट कर सकता है। सबसे पहले हम ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, इट इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अंडर सेक्शन 70A ऑफ आईटी एक्ट 2000। हमने आईटी एक्ट 2000 के अंदर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया। इट इज डेजिग्नेटेड एज नेशनल नोडल एजेंसी, इसको हमने नाम दिया कि ये एक मेन एजेंसी है इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। हमारी कंट्री के अंदर जहां जहां पर भी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा रहा है, जहां जहां पर भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है, और उसके लिए जो भी हमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए, उन सब की प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर बना दिया। इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर है। इट इज ए यूनिट ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नेट्रो, एंड देयरफॉर इट कम्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है। ये इनका लोगो है। अब देखिएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डिफाइंस क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर CII as those computer resources, वो सारे computer resources, hardware, software, data, information, the incapacitation or destruction of which, जिनको अगर ना चलने दिया जाए या जिनको destroy कर दिया जाए, it shall have a debilitating impact, devastating impact
बर्बाद करने वाला इंपैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी। वो सारे कंप्यूटर रिसोर्सेज जिनको ना चलने दिया जाए, जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जिसका इंपैक्ट हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, पब्लिक हेल्थ के ऊपर, सेफ्टी के ऊपर डिवास्टेटिंग होगा, बिल्कुल बर्बाद कर देने वाला होगा। वो सारे कंप्यूटर रिसोर्सेज जिनको ना चलने दिया जाए, जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जिसके कारण इसका डिवास्टेटिंग इंपैक्ट हो सकता है कंट्री की सिक्योरिटी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, पब्लिक हेल्थ के ऊपर और सेफ्टी के ऊपर, तो वो सारे कंप्यूटर रिसोर्सेज हमारे लिए क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है और इनकी हमने प्रोटेक्शन करनी है। अगर इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो हम लोगों की जिंदगी आज की डेट के ऊपर इतनी कंप्यूटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि हम लोगों की जिंदगी टोटली डिसरप्ट हो जाएगी। अब स्टूडेंट मैं बी पार्ट को टेकअप कर रहा हूं। बी पार्ट बहुत लंबा है और मैं इसके अंदर इसको कुछ पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर दूंगा। ये कंप्लीट बी पार्ट है। अब मैं बी पार्ट को टेकअप कर रहा हूं। ए पर्सन हु नोइंगली एक्सेस ए कंप्यूटर रिसोर्स विदाउट ऑथोराइजेशन, एक वो व्यक्ति जिसको कंप्यूटर यूज करने का अधिकार नहीं है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है, वो कंप्यूटर का एक्सेस ले रहा है। एक्सीडिंग ऑथराइज एक्सेस, वो अपने एक्सेस से एक्सीड कर रहा है। बाय मीन्स ऑफ सच कंडक्ट, ऐसा करने से ही ऑब्टेन्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन आर डेटाबेस दैट इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर रीजंस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। जो डेटाबेस और जो इंफॉर्मेशन हमने कंट्री की सिक्योरिटी के लिए उनका एक्सेस रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, वो उन डेटाबेसिस तक या उस इंफॉर्मेशन तक भी पहुंच सकता है। आर एनी रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन डेटा और कंप्यूटर डेटाबेस विद रीजन टू बिलीव दैट सच इंफॉर्मेशन डेटा और कंप्यूटर डेटाबेस सो ऑब्टेन मे बी यूज टू काज आर लाइकली टू काज इंजुरी टू द इंटरेस्ट ऑफ दीज थिंग्स। मैं इन सभी चीजों को जो आप यहां पर अंडरलाइन देख रहे हैं मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस व्यक्ति के पास कुछ डेटा है, कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ कंप्यूटर डेटाबेस तक ये पहुंच गया है या पहुंच सकता है, जिसके कारण या तो इसने नुकसान कर दिया है या ये नुकसान कर सकता है। किस चीज को? मैं सारे अंडरलाइन पॉइंट्स को टेकअप कर रहा हूं। हमारी कंट्री की सोवरेनिटी को, हमारी कंट्री की इंडिपेंडेंस को, इस व्यक्ति के पास कुछ डेटा, कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ डेटाबेस तक ये पहुंच गया है या ये पहुंच सकता है, जिसके कारण ये हमारी कंट्री की इंडिपेंडेंस को खतरा हो सकता है, ये हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी के लिए भी खतरा हो सकता है, हमारी कंट्री के अंदर डिवीजन करवा सकता है, ये व्यक्ति हमारी कंट्री की डिफेंस के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, कंट्री की सिक्योरिटी के अंदर यह प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। हमारी जिन कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशन है ये उन फ्रेंडली रिलेशन को भी खराब कर सकता है। पब्लिक ऑर्डर मींस कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मैनेज है, ये उसको भी डिसरप्ट कर सकता है। डिसेंसी, कंट्री के अंदर हम डिसेंट तरीके से रहें, हमारा बिहेवियर बहुत ही पोलाइट नेचर का हो, हम रूड तरीके से ना पेश आए, ये उस डिसेंसी को भी डिसरप्ट कर सकता है। मोरलिटी, क्या चीज ठीक है, क्या चीज गलत है, ये इसके अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं करेगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट ने अगर कोई आदेश जारी किया है तो ये व्यक्ति कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेगा। डिफेमेशन, किसी व्यक्ति को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये व्यक्ति डिफेम करने का भी काम कर सकता है। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये लोगों को जुर्म करने के लिए भड़का सकता है। टू द एडवांटेज ऑफ एनी फॉरेन नेशन, ये जो कुछ काम करेगा किसी और फॉरेन नेशन के वो एडवांटेज के अंदर जा सकता है। स्टूडेंट मैं इस पर्टिकुलर चीज को अब थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। एक वो व्यक्ति जिसके पास कंप्यूटर रिसोर्स का एक्सेस है, ये उस एक्सेस के द्वारा कुछ डेटा, कुछ डेटाबेसिस या कुछ इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकता है, जिसके कारण हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को, हमारी कंट्री के फॉरेन रिलेशन को अफेक्ट किया जा सकता है। इसके पास कुछ डेटा, कंप्यूटर रिसोर्स या कंप्यूटर डेटाबेसिस या इंफॉर्मेशन इसके पास है, जिसको ये यूज करके हमारी कंट्री की इंडिपेंडेंस,
हमारी कंट्री की अखंडता, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी या हमारे फ्रेंडली रिलेशन दूसरे कंट्रीज के साथ ये खराब कर सकता है, या हमारी कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ना रहे, ये पब्लिक ऑर्डर डिस्ट्रप्ट कर सकता है। हम डिसेंसी और मॉरलिटी के साथ डील ना करें, ये उसको भी अफेक्ट कर सकता है। ये कुछ ऐसा कर सकता है जिसके कारण कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाए। ये लोगों को डिफेम कर सकता है या किसी को ऑफेंस करने में, जुर्म करने के लिए भड़का सकता है, या ये कुछ ऐसा काम कर सकता है जिससे कि किसी और फॉरेन कंट्री को कुछ एडवांटेज मिल जाए। He commits the offense of cyber terrorism shall be punishable with imprisonment which may extend to imprisonment for life। अगर ये व्यक्ति जो काम अभी हमने यहाँ पे ऊपर बतलाए इनमें से कोई भी काम करता है तो ये साइबर टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है और इसको लाइफ तक की इंप्रिजनमेंट हो सकती है। इन दोनों केसेस के अंदर, ए और बी दोनों केसेस के अंदर हमने जो पनिशमेंट रखी है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट है। सो स्टूडेंट, साइबर टेररिज्म का ये सेक्शन बहुत बड़ा था। इसके अंदर बहुत सारी चीजों को हमने अंडरस्टैंड किया। साइबर स्पेस क्या है? एक ऐसी स्पेस जो वास्तविकता में एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन जिनको हम मानते हैं कि ये एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट्स, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट, इन्होंने हमें एक काम करने की स्पेस दे दी बट रियलिटी के अंदर ये फिजिकल फॉर्म के अंदर कोई स्पेस है ही नहीं। ये साइबर स्पेस है। एक वो व्यक्ति जो साइबर स्पेस के अंदर रह के कुछ टेररिज्म के काम करे और हमारे कंप्यूटर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दे और कुछ और गड़बड़ी कर दे जिससे हम लोगों की लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो जाए, देन दैट पर्सन इज इन्वॉल्व इन द एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म। थैंक यू वेरी मच।